सहरसा के डीआईजी शिवदीप लांडे को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर से शिवदीप लांडे सुर्खियां बटोर रहे हैं और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वजह, उनकी बेटी का जन्मदिन। वजह, उनका एक इमोशनल सा फेसबुक पोस्ट। जी हाँ, जिसे लेकर एक बार फिर से शिवदीप लांडे छा गए हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसोर्ट। सहरसा के डीआईजी शिवदीप लांडे ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। ये फेसबुक पोस्ट क्या है? उनकी बेटी के बर्थडे से जुड़ा है, लेकिन ऐसा क्या उन्होंने लिख दिया है कि लोग इतना हो गए हैं कि हर जगह उन्हीं की तारीफ हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम उनका आपको फेसबुक पोस्ट दिखाते हैं। शिवदीप लांडे ने फेसबुक पोस्ट किया है और उसमें अपने साथ अपनी बेटी की तस्वीर साझा की है, जिसमें अपनी बेटी को कंधे पे उन्होंने बैठा रखा है और साथ में लिखा है, अरहा मुझे माफ़ करना कि यहाँ से छुट्टी ना मिल पाने की वजह से मैं आपके बर्थडे पर आज मुंबई में आपके पास नहीं हो सकता हूँ। मैंने सर्वदा खाकी के फर्ज को सर्वोपरि माना है, परंतु शायद मैं ये भूल गया था कि खाकी में कोई पता नहीं होता। और नीचे उन्होंने #हैप्पी बर्थडे अरहा लिखा है। उनकी बेटी का नाम अरहा है और उन्होंने उसके लिए ये पोस्ट लिखा है क्योंकि उनकी बेटी, उनका परिवार मुंबई में रहता है और वो बिहार में सहरसा में डीआईजी है, वहाँ पोस्टिंग है उनकी, और वो अपनी बेटी के पास नहीं जा पाए उनके बर्थडे पे। आप जानते हैं कि एक बेटी के लिए एक पिता क्या मायने रखता है और एक पिता के लिए उसकी गुड़िया कितना मायने रखती है, और जब एक पिता अपनी बेटी के जन्मदिन पर नहीं जा पाता है तो उसे कितना दुख होता है। लेकिन फर्ज और वर्दी के आगे सब कुछ फीका है, क्योंकि फर्ज सर्वोपरि है, एक बार फिर से शिवदीप लांडे ने साबित कर दिया है। नीचे इसी तरीके से कमेंट की भी बौछार लग गई है। दीपक ठाकुर लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे अरहा, और साथ ही कई लोग लिखते हैं कि अरहा एक ऐसे कर्मयोगी, राष्ट्र प्रेमी, जाबाज पिता की पुत्री है जिस पर पूरा देश गर्व करता है, लेकिन उसके जन्मदिन पर खाकी वर्दी वाले पिता की उपस्थित न होना भले ही कोई विभागीय मजबूरी हो, लेकिन आम जनमानस सहित मैं भी अरहा के अवतरण दिवस पर स्वास्थ्य, सानंद और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। खासकर अगर कमेंट की बात करें तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो जमकर और शिवदीप लांडे की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को सहरसा के डीआईजी आईपीएस शिवदीप लांडे की बेटी का जन्मदिन था। अपनी बेटी के जन्मदिन पर वो उसके पास रहना चाहते थे, लेकिन रामनवमी के कारण उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया, फेसबुक के जरिए अपनी बेटी के जन्मदिन का जश्न मनाया। कल रामनवमी था और कल चाक चौबंद व्यवस्था पूरे पटना में की गई थी और पूरे बिहार में, तो इसको लेकर सहरसा के डीआईजी को छुट्टी नहीं दी गई और ऐसे में एक भावुक पोस्ट उन्होंने लिखा है। आपको बताते चले कि उन्होंने अपनी बेटी को कंधे पर उठा रखा है, और साथ ही आपको बता दें कि शिवदीप लांडे ने फेसबुक पोस्ट पर यूजर्स काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। करीब 35,000 से ज़्यादा लोगों ने पोस्ट को लाइक किया है, वहीं करीब 6,500 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किया है। कमेंट में यूजर्स नन्ही अरहा को जन्मदिन की बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। वहीं आईपीएस शिवदीप लांडे का वर्दी के प्रति जिम्मेदारी का भी यूजर्स ने स्वागत किया है। करीब 125 लोगों ने इस पोस्ट को साझा भी किया है। आपको बताते चले कि शिवदीप लांडे का जो पूरा परिवार है वो मुंबई में रहता है और शिवदीप लांडे सहरसा के हाल ही में डीआईजी बनाए गए हैं, तो ऐसे में वो अपनी ड्यूटी, अपने वर्दी के कारण वो यहाँ से जा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक प्यारा सा फेसबुक पोस्ट, प्यारी सी फोटो डालकर सबका दिल जीत लिया है। आप इस फेसबुक पोस्ट के बारे में और शिवदीप लांडे के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।